प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सर्किट हाउस के एनएक्सी भवन में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह योजना असंगठित कामगारों की वृद्धावस्था की सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के प्रत्येक तबके के लिए 100 से अधिक योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के हर तबके के गरीब व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाया जाए और उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी को योजनाओं का लाभ बिना बिचौलिए के मिले और उनके लाभ को सीधे उनके खाते में भेजा जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पेंशन कार्ड तथा 5 लाभार्थियों को NULM कार्ड का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गुजरात के वस्त्रताल से प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण भी देखा। इस योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित कामगार शामिल होंगे जो 60 वर्ष की आयु तक 55 से लेकर 200 रुपये तक का योगदान करेंगे और 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशनधारक के खाते में सीधे 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक शीतल पांडे, विधायक संत प्रसाद, अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, आयुक्त अमित गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और लाभार्थी उपस्थित रहे। के अवसर पर
आज यहाँ पर मंच पर बस्ती के गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज इस देश के असंगठित क्षेत्र के उन करोड़ों श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए एक विशिष्ट योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए इस योजना को गोरखपुर से प्रारंभ करते हुए, पूरे प्रदेश के लिए प्रारंभ करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। गरीबों के प्रति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में जो पीड़ा है, इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं उत्तर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए कर्मियों और रजिस्टर्ड श्रमिकों के इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इन सभी कर्मियों और श्रमिकों की ओर से प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के और आज की योजना तक इस देश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज की प्रत्येक तबके के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 100 से ज्यादा योजनाएं प्रारंभ की हैं। ये जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की हैं, इन सब का उद्देश्य ही है कि हर तबके के गरीब, वंचित, दलित, उन सब के जीवन में खुशहाली लाया जा सके, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन ला करके उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके, मां का कवर भी उस अकाउंट के माध्यम से उसे प्राप्त हो और उस गरीब को अपने सामान्य कारोबार के लिए 5,000 रुपए तक की आवश्यकता पड़ेगी तो भी उसको धनराशि। उन्हें मोदी जी के सामने कोई लाचार भी नहीं थी, उन्होंने गरीब के हक में किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे और इसके लिए गरीब के खाते में देना प्रारंभ किया। गरीब के खाते में सीधे पैसा जाए, आज आप देख रहे होंगे मैं एक कार्यक्रम में था और उस कार्यक्रम में मुझे एक किसान मिला, अभी अमेठी में ही, और वो किसान मेरे पास आया, उसने कहा देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मेरा भी नाम आया है और मुझे प्रधानमंत्री जी ने मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए दिया है, मेरे अकाउंट में पैसा भी आया है और मैसेज भी मेरे पास आया है। पैसा उसके अकाउंट में आया और गरीब को उसके साथ सूचना भी मिल रही कि तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपए आ गए हैं, आप उसको जाकर के चेक करिए और अपनी खेती बाड़ी और अपनी खेती से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के आगे कार्य कर सकते हैं। यह परिवर्तन शासन की व्यवस्था में इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता, इतनी शुचिता, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक गरीब के जीवन स्तर को उठा करके उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक प्रयास। हर गरीब के पास 2022 तक अपने सिर को ढकने के लिए एक छत हो, यानी हर गरीब को हम एक आवाज देंगे,
प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को आवास जिसे स्वीकृत किया जा रहा है, 1,20,000 रुपए उसके सीधे अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है, 12,000 रुपए से टॉयलेट के लिए अलग से दिया जा रहा है और 15,900 के आसपास रुपए उसे मनरेगा की 90 दिन की मजदूरी के बराबर अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में उस गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख रुपए तक सहायता दी जा रही है, 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। यह कार्य पहले भी हो सकता था, 2.5 करोड़ परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करा दिया गया। अब तक कांग्रेस के लिए, सपा के लिए, बसपा के लिए जो नामुमकिन था उसको प्रधानमंत्री मोदी ने मुमकिन बना दिया। यह बिजली का कनेक्शन कितना कठिन कार्य था, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको बिजली के दफ्तर चक्कर काटते काटते व्यक्ति थक जाता था, हार जाता था, बाद में अपने घर में मिट्टी के तेल का ढिबरी जला करके वह किसी प्रकार से वह अपने परिवार को अंधेरे में थोड़ा रोशनी दे पाता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से और फिर सौभाग्य योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर हर गरीब को एक एक कनेक्शन उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की और पूरे देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। उत्तर प्रदेश ने 1 करोड़ लोगों को एक कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं जो कांग्रेस आज मुमकिन हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। मोदी जी ने इसको स्वीकार कर लिया। हर गरीब के पास अपना स्वयं का शौचालय होना चाहिए। पूरे देश के अंदर 9.5 करोड़ परिवारों को परिवार ऐसे थे जिनके पास शौचालय नहीं थे, उन्हें सड़कों पर जाना पड़ता था, इधर उधर जाना पड़ता था, महिलाओं के सामने भयंकर संकट था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की परवाह नहीं की कि कितना पैसा लगेगा, गरीब को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और इस योजना को लाभ देते हुए उन्होंने पूरे देश के अंदर उन 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, अकेले उत्तर प्रदेश में 2.49 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय। जो कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था वह मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हैं। आपने विगत दिनों कुछ घटनाएं देखी होंगी, एक गरीब के घर में अगर कोई बीमार हो जाता है, कोई ऑपरेशन करना हो, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए लग जाता था, वो तबाह हो जाता था, उसका सब कुछ बिक जाता था, परिवार के गहने बिक जाते थे, जो खेत का टुकड़ा था वो बिक जाता था, गिरवी रख दिया जाता था, कोई उससे पूछता नहीं था। आयुष्मान भारत के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक गरीब को 5 लाख रुपए की साल में चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी है। आपको पत्र भी पर्याप्त है जिसके माध्यम से आप इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप के परिवार का कोई व्यक्ति अगर बीमार है, आप प्रधानमंत्री जी के पत्र को लेकर के जाएंगे, 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी। जो कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था आज वो मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी। अभी आपने देखा होगा कि कैसे गोरखपुर में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 12 करोड़ लोगों और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से सम्मानित किया है और एक क्लिक करके डीबीटी के माध्यम से
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन के माध्यम से किसान के खाते में 2000 रुपए की पहली किस्त चली गई। हर वर्ग और सीमांत किसान के खाते में वर्ष में 6000 रुपए जाएगा और ये हर वर्ष जाएगा। यह कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लिए नामुमकिन था क्योंकि उनके मन में गरीबों के प्रति संवेदना नहीं थी। यह मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में एक संवेदनशील व्यक्तित्व तो मोदी इस देश के अंदर मौजूद हैं, इसलिए संभव हो पाया। और इसी प्रकार की अनेक योजनाएं देश के अंदर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की और आज उसका परिणाम है कि अनेक ऐसी योजनाएं लागू की, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ असंगठित क्षेत्र के या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति ले सकता था, लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अभी तक पेंशन की, सामाजिक सुरक्षा की कोई भी ऐसी योजना नहीं चल पाई थी कि जिससे 60 साल के बाद जब व्यक्ति थोड़ा मेहनत करने में अपने को समर्थ पाए तो उस समय उसके पास संबल के लिए एक पैसा इकट्ठा हो, उसके पास एक पूंजी हो या उसके पास एक निश्चित राशि से हर माह होते रहे। इस दृष्टि से कोई भी इस प्रकार की योजना नहीं थी और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों के लिए, उन श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना आज शुभारंभ करने जा रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी योजना है जिस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के उन सभी लोगों को जो 18 से 40 वर्ष की आयु के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उन्हें 35 रुपए से लेकर के 200 रुपए प्रतिमाह अंशदान करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्हें 3000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की व्यवस्था। आप सब यह जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत ऐसे समस्त असंगठित क्षेत्र के कामगार इसमें आते हैं जो 15-18 से लेकर 40 वर्ष की आयु के हैं और जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से कम हो, यानी 15000 रुपए मासिक जो कमा पाते हो या मानदेय जिनका हो, वे सभी लोग उसमें केवल कुछ सकते हैं कि उनकी कर्मचारी भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा निगम या राष्ट्रीय पेंशन योजना में उनका नामांकन न हुआ हो, वे सभी इस योजना से आच्छादित हो सकते हैं और अच्छा इस प्रक्रिया के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। और इस योजना में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका लाभ असंगठित क्षेत्र का कामगार ले सकता है, खासतौर पर यदि वह 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी का योगदान केवल बचत बैंक ब्याज दर के साथ उसकी समुचित योगदान उसे वापस करने की व्यवस्था भी है। यानी अगर आपने पैसा आपका जमा हुआ है और 10 वर्ष से पहले आप उस पैसे को लेना चाहते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई दूसरा कार्य या आपको किसी अन्य योजना से आप लाभान्वित हो रहे हैं तो आपकी वह सामान्य बचत की जो राशि होगी ब्याज सहित वह आपको वापस मिल जाएगी। यदि पेंशन धारक 60 वर्ष की आयु से भी केवल 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद बाहर निकलता है तो लाभार्थी को संचित योगदान वास्तव में फंड का अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो उसे वह वापस मिल जाएगा। तीसरा, यदि किसी लाभार्थी से नियमित योगदान किया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका जीवन साथी योजना को जारी रखने का हकदार होगा
जो नियमित रूप से योगदान का भुगतान करें या लाभार्थी के योगदान और उससे संचित ब्याज जो वास्तव फंड से अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी देखो वह उसके जीवन साथी को उतनी धनराशि वापस मिल जाएगी। अगर वह चाहेगा कि नहीं वो पेंशन उसका जीवन साथी अर्जित करे तो उसमें जो भी अंशदान है वह दे और 7 साल के बाद उन्हें पेंशन की सुविधा प्राप्त होगी। अगर वह चाहते हैं कि नहीं हमें पैसा वापस मिल जाएगा तो बैंक की जो संचित राशि है उसमें जो ब्याज होगा ब्याज सहित वह राशि उस जीवन साथी को वापस मिल जाएगी। यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान किया है और 7 साल से भी किसी भी कारण से अस्थायी रूप से अक्षम हो गया है और योजना को जारी रखने में असमर्थ है तो उसका जीवन साथी योजना को जारी रखने का हकदार होगा। जो नियमित रूप से योगदान का भुगतान करे या लाभार्थी के योगदान है उससे संचित ब्याज वास्तव फंड से अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो उसे वापस कर दिया जाएगा। यानी यह 7 साल से पहले अगर इस प्रकार की पेंशन योजना में कोई व्यक्ति अपंग हो गया है दिव्यांग हो गया है वह उसको कंटिन्यू नहीं रख सकता तो वह पैसा वापस भी ले सकता है या फिर इस प्रक्रिया को जो व्यवस्था पहले बनाई गई उसके तहत वह इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में हमारे पास असंगठित क्षेत्र के कामगारों की एक बड़ी संख्या है और यह संख्या लगभग 5 करोड़ है। 5 करोड़ लोग अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में लाभान्वित होने जा रहे हैं और हमारा यह अनुमान है कि इसमें भी 18 से 40 के बीच की उम्र के जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं इनकी संख्या 3.5 करोड़ है। 3.5 करोड़ परिवार सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। इस योजना में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह श्रम विभाग में एक तो जो रजिस्टर्ड श्रमिक है उत्तर प्रदेश के जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम आज इस बार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी प्रारंभ किया है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो रजिस्टर्ड श्रमिक श्रम विभाग के अधीन रजिस्टर्ड हैं और वे कार्य करते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने प्रदेश के 18 कमिश्नरी में उनके बच्चों के लिए एक एक रेजिडेंशियल विद्यालय बनाने की व्यवस्था की है जहां पर उन असंगठित क्षेत्र हम लोग लाएंगे और उनको पढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। कोई पैसा उस श्रमिक को नहीं देना होगा उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाएंगे और आवासीय विद्यालय में उनको अच्छी शिक्षा देने का कार्य करेंगे। दूसरा कार्य असंगठित क्षेत्र के ऐसे जितने भी श्रमिक हैं उन सभी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रम विभाग के समस्त जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित कर दिए गए हैं और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस बारे में विस्तृत निर्देश भी जारी किए गए हैं कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत हर रजिस्टर्ड श्रमिक को इसमें आवश्यक रूप से इसे लाभान्वित किया जाए। सभी लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से लाभान्वित हो सकेंगे इस विश्वास के साथ आज यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में लॉन्च किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से प्रदेश का हर असंगठित क्षेत्र का कामगार और प्रत्येक रजिस्टर्ड श्रमिक इससे लाभान्वित होगा और वह अपने भविष्य के प्रति आश्वासित हो पाएगा। आज के इस प्रति आज के इस अवसर पर एक बार पुनः प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर कैंप लगा करके अधिक से अधिक कामगारों को असंगठित क्षेत्र के इन कामगारों को
और रजिस्टर्ड श्रमिकों को हम बहुमानित कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। छोटी मोटी गलतियां करता हूँ लेकिन बड़े जिम्मेदारी से नाम करता हूँ। बीते नवंबर जो मैं वो अड्रेस है कई बीमारियाँ करना बताया गया था सालों तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ये बीमारी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। श्रम योगी मानधन योजना जिससे असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने पेंशन मिली है बल्कि पूरे देश के लिए। ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में भारत में काफी लोग काम करते हैं और 10 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने पेंशन मिलेगी ऐसी योजना को भी चल रहे हो तो तेज नहीं चल रहे हो।